For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. सलमान और कैट की दोस्ती काफी गहरी है और प्यार में असफल होकर इन दोनों की दोस्ती अभी भी कायम है। इनफैक्ट जब भी कैट किसी मुसीबत में होती है तो सलमान उनकी मदद के लिए दौड़ पड़ते हैं। ऐसे में फिल्म भारत के जिंदा हूँ गाने के दौरान भी हमने सलमान को कुछ ऐसा ही करते देखा। हुआ ये कि गाने के लॉन्च पर कटरीना ने साड़ी पहन रखी थी, मगर अचानक स्टेज के पास उनकी प्लीट्स बिगड़ने लगी और जैसे ही सलमान ने ये नोटिस किया वो तुरंत सबके सामने जाकर उनकी प्लीट्स ठीक करने लगे। सलमान को कैट के पैरों के पास बैठकर प्लीट्स ठीक करता देखकर पापराजी लगातार उनकी पिक्स क्लिक करने लगी और कैट भी शर्माकर मुस्कुराने लगी, मगर सलमान को किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ा और उन्होंने कैट की प्लीट्स ठीक कर ही दी। इस हादसे के दौरान क्लिक की गई हर पिक अब वायरल हो चुकी है और फैंस इन पिक्स को देखकर सलमान और कटरीना की सेल्फलेस दोस्ती और ऑसम केमिस्ट्री की तारीफ करते नहीं थक रहे। तो सलमान और कटरीना की ये क्यूट पिक्स देखकर आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। ब्यूटीफुल टैलेंटेड और वर्सेटाइल एक्ट्रेस तब्बू ने 90s की सिनेमा पर राज किया था, फिर भी तब्बू को अब तक उनका मिस्टर राइट नहीं मिला। कई बार इस डीवा से उनके सिंगल स्टेटस के बारे में पूछा गया। 2 साल पहले भी ऐसा ही हुआ जब तब्बू ने कहा था कि उनके सिंगल रहने का कारण है अजय देवगन। शॉकिंग है ना, पर रुकिए, यहाँ कोई रोमांटिक एंगल नहीं है। एक्चुअली अजय तब्बू के कजन के बहुत अच्छे दोस्त थे और दोनों इंश्योर करते थे कि कोई भी लड़का तब्बू के आस पास ना आ सके और इसके चलते तब्बू आज भी सिंगल है। वेल, इस कहानी को कई साल बीत चुके हैं और अब एक बार फिर अपनी फिल्म दे दे प्यार दे के प्रमोशंस के दौरान मीडिया ने तब्बू से इस बारे में पूछा तो इस बार भी तब्बू ने अजय को ही अपनी सिंगल स्टेटस का कारण बताया। इस बार तब्बू ने कहा, मैं ऐसे ही बहुत खुश हूँ। जब आपके पास अजय जैसे अच्छे दोस्त हों तो आपको कोई लड़का पसंद ही नहीं आ सकता। अजय एक अच्छे इंसान और अच्छे दोस्त हैं। जब आपके पास ऐसे दोस्त हैं तो आप अपने लाइफ पार्टनर की तुलना उनसे करने लगते हैं। अब अजय जैसा परफेक्ट लाइफ पार्टनर आपको मिल ही नहीं सकता, इस वजह से मेरी शादी नहीं हुई। रियल लाइफ में भले ही तब्बू सिंगल हो लेकिन उनकी लेटेस्ट फिल्म दे दे प्यार दे में वो ना सिर्फ अजय देवगन की एक्स वाइफ बनी है बल्कि उनके 2 बच्चों की माँ भी। तो अब तब्बू के सिंगल स्टेटस का कारण जानकर आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। सलमान खान और कटरीना कैफ ने इसी महीने IPL 2019 ग्रैंड फिनाले से अपनी फिल्म भारत के प्रमोशन को किक स्टार्ट किया और अब इस धमाकेदार शुरुआत के बाद ये सिलसिला तो चलता ही रहेगा। वेल, प्रमोशंस के इस दौर में द कपिल शर्मा शो काफी पॉपुलर है जहां कई सारे सेलिब्रिटीज अपनी फिल्म्स को प्रमोट करते नजर आते हैं। ऐसे में शो के प्रोड्यूसर सलमान खान कैसे पीछे रह सकते हैं? जी हाँ, हमने आपको बताया था कि सलमान खान और कटरीना कैफ जल्द ही इस शो पर अपनी फिल्म भारत को प्रमोट करते नजर आएंगे और ये खबर सुनते ही सभी को लगने लगा कि प्रमोशंस के बहाने से ही सही सुनील ग्रोवर और कपिल शर्मा एक लंबे अरसे बाद एक साथ नजर आएंगे। पर नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। साल 2017 की फेमस मिड एयर फाइट के बाद सुनील ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, पर फैंस ने उम्मीद नहीं छोड़ी और हालांकि सभी अब उन्हें द कपिल शर्मा शो पर फिल्म भारत को प्रमोट करते हुए देखना चाहते हैं, मगर सुनील ने इस बात से साफ इनकार कर दिया। इनफैक्ट एक मीडिया इंटरेक्शन के दौरान सुनील ने कन्फेस किया कि सलमान ने उनसे इस बारे में बात जरूर की थी मगर उन्होंने कभी उन पर कुछ इन्फोर्स नहीं किया। सुनील ने ये भी कहा कि वो अब उस शो का हिस्सा नहीं है और वो तो शो को देखते तक नहीं है। अब सुनील को द कपिल शर्मा शो का ना बनते देख के उनके फैंस निराश तो जरूर होंगे, है ना? सलमान, टुवर्ड्स योर लेफ्ट। सलमान, जस्ट वन सेक, टू द लेफ्ट, देयर, राइट? या आफ्टर दैट वी कम टू यू। या सलमान, हाय, दिस इज प्रियंका फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस। सलमान, यू नो, वी हैव ऑफन सीन दैट फैंस आर नॉट, यू नो, दे डोंट गेट रेडी टू सी देयर सुपरस्टार्स एज ऑन स्क्रीन. You know, that happened during Dangal also, right? Amir said that he wasn't ready to become an old person on screen. So for you to play a character who's aged 70, did those doubts come in your mind? Did you have that kind of skepticism? No, because I played it differently. I played it very differently. What's up? Dari wadi hai, baal wal hai, he's playing 70, but he's in his 40s.
तो इस बूढ़े का जो स्वैग है, जो इसकी एनर्जी है, इट्स नॉट लाइक नॉट दैट काइंड ऑफ बुजुर्ग. ही इज नॉट मरहूम टाइप्स बुजुर्ग, ही इज अ वेरी यंग. थैंक यू. यू नो, वन सेकंड, आई जस्ट वांट टू ऐड टू दैट लुक आल्सो. वाज देयर अ लॉट ऑफ थॉट दैट वेंट टू कि मूंछ कैसी होनी चाहिए, दाढ़ी कैसी होनी चाहिए? You know, because it looks, I mean, obviously, yes, you, there was, I'm yeah? answering that. How many Ali's different side. Mooches did we see? How many different mooches and dadis did you try out? Mooches. Hello, Salman ji. Are you answer to karne do? Haan. Katrina jawab dengi iska. No, Ali, I mean, there was almost never a day on set where I didn't come and see Ali staring at Salman's face yeah. and doing this, like this. So much attention has gone on that. So I think it was, there was definitely something very specific in his mind. Actually, you know, wo jo boodha wala part hai, wo sabse zyada tricky part hai film ka. Also, that's somewhere, that's the soul of the film. To Salman sir and I were very clear that kahin na kahin jo 70 saal ki zindagi us kirdar ne jiye, wo us ek look mein dikhni chahiye. So, jab humne, to ek जब आदमी इतने साल जिंदगी जीता है और जिस तरह की जिंदगी भारत का किरदार जीता है, एक रॉब है, एक परसोना है उस किरदार में. और उस परसोना के लिए हमने बहुत चीज़ें ट्राई करी. कुछ राजू भाई ने बहुत इस टाइम ज़्यादा काम किया है, जो सलमान सर का मेकअप कर रहे हैं मैंने प्यार किया से. तो आई थिंक वही मेकअप अभी भी चल रहा है. हेलो, मेरा सवाल सलमान जी से है. एक सेकंड, पहले किया था, विल कम बैक टू यू. या बॉलीवुड के तीनों खान्स बहुत बड़े सुपरस्टार्स हैं, मगर पिछले साल तीनों की बड़ी बजट फिल्म्स फ्लॉप हो गई. जी हाँ, साल 2018 में सलमान खान की रेस 3, आमिर खान की ठग्स ऑफ हिंदुस्तान और शाहरुख खान की जीरो रिलीज हुई थी. पर अफसोस, इन तीनों खान्स की मौजूदगी के बाद भी ये फिल्म्स फ्लॉप हो गई. तो इसके बाद आमिर और शाहरुख सेफ खेलने लगे और मीडिया से दूर रहने लगे. इनफैक्ट किंग खान ने तो अब तक कोई फिल्म भी नहीं साइन की है और वो इन दिनों अपना ज्यादा से ज्यादा समय अपने परिवार के साथ बिताते हैं. वहीं आमिर खान ने भी अपने अगले प्रोजेक्ट लाल सिंह चड्ढा की अनाउंसमेंट तो की, मगर आगे सब कुछ लो की रखा है. पर ये क्या, सलमान इन दोनों के नक्शे कदम पर बिल्कुल नहीं चल रहे हैं और वो एक असली सुल्तान की तरह अपने फेलियर को अपने साथ लिए मीडिया से इंटरेक्ट भी कर रहे हैं और अपने फैंस को अपने अगले प्रोजेक्ट्स की अपडेट्स भी दे रहे हैं. फिल्म दबंग 3 की मुहूर्त शॉट से लेकर क्लाइमेक्स सीन तक की हर इन्फॉर्मेशन फैंस को लगातार मिलती रही और अब ये देखकर तो ऐसा लग रहा है कि सलमान खान ही बनेंगे बॉलीवुड के असली सुल्तान, है ना? आलिया भट्ट और रणबीर कपूर के लव अफेयर की चर्चा खत्म ही नहीं हो रही और ये दोनों हमेशा हम सबको रिलेशनशिप गोल्स देते नजर आते हैं. बीते दिनों ये दोनों लव बर्ड्स यूरोप टूर पर निकल पड़े, जिसकी खबर मिलते ही ये चर्चा होने लगी कि शायद ये दोनों अपनी शादी का डेस्टिनेशन फाइनल करने गए हैं. इतना ही नहीं, रूमर्स इस कदर फैली कि कई लोगों को यकीन हो गया कि ये दोनों भी अब इटली के लेक कोमो में शादी करने वाले हैं. पर नहीं, आखिर इस बात के पीछे का सच आलिया भट्ट ने खुद सब के साथ शेयर किया. जी हाँ, एक इंटरव्यू के दौरान जब आलिया से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, ये सब बकवास है, ये सिर्फ एक हॉलिडे था. वेल, आलिया के स्टेटमेंट से तो ये पक्का है कि ये दोनों अब तक शादी की स्टेज तक नहीं पहुँचे, मगर यूरोप टूर पर इनकी नजदीकी को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि वो दिन भी अब दूर नहीं. तो आलिया के स्टेटमेंट के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, हमें जरूर बताएं. सलमान खान और कटरीना कैफ की आगामी फिल्म भारत का जूकबॉक्स तो कमाल का है. इस फिल्म के पहले गाने स्लो मोशन ने खूब धमाका कर दिया और उसके बाद इस फिल्म का दूसरा गाना चाशनी भी काफी रोमांटिक और सरियल था. फिर आई बारी फिल्म के तीसरे गाने एथे आ की, जहां सलमान और कटरीना की मस्ती भरी छेड़खानी ने हम सबको इम्प्रेस किया. और अब इन तीनों गाने के हिट होने के बाद मेकर्स ने एक और गाना किया है अनवेल.
यहाँ हम बात कर रहे हैं जिंदा गाने की, जिसकी पहली झलक हमें फिल्म के ट्रेलर में मिल चुकी है। इस गाने में सलमान और कटरीना वाघा बॉर्डर पर खड़े हैं, जहाँ बैकग्राउंड में ये गाना बज रहा है। इस गाने के इमोशंस काफी इंटेंस हैं और ये गाना इस जोड़ी की जिंदगी में एक और नया पड़ाव दर्शाता है। गाने के बोल और मेन जोड़ी के इंटेंस इमोशंस को देखकर हम सब तो इस गाने को खूब एंजॉय कर रहे हैं। और अब